हेलो, मेरा नाम अंबिका शर्मा है। ऐसे मैं केरला के रहने वाली हूँ। मैं 1999 से इसी कॉलोनी में काम कर रही हूँ। 1999 में ये कम्युनिटी इधर आई है, गौतम नगर से झुग्गियाँ टूट कर इधर रही सचिव में जो कॉलोनी बनाई गई है। इसमें शुरू में इधर उधर 8-10 झुग्गियाँ ऐसे था, बिल्कुल तिरपा बनी हुई। तभी इधर ना मीठा पानी था, न ही लाइट था, कोई सुविधा नहीं था। घुस घुस जाते थे मकानों में, पब्लिक शाम को मार मार के फेंकते थे। उस टाइम पे इधर कोई आने को भी कतराते थे। पहले फेस वन कटी गई है, 90 वाले प्लॉट ऐसे जानकारी से। उसके बाद कुछ दिन बाद इधर इलेक्शन होने के बाद में नेताजी लोगों ने इधर कुछ सड़कें बना दिया, फिर कुछ सड़कें फिर भी गंदी रही। फिर उसके बाद मैं 2004 से एक मैं ऐसा स्टाफ नर्स हूँ। मैं इधर एक सैम्पल का उसमें ड्यूटी करती थी। उसके साथ साथ ये वर्ल्ड विजन संस्था आई इधर, इन्होंने एक महिला मंडल बनाया। इमानुअल नाम का एक सर था, उन्होंने बुला कर मुझे इधर महिला मंडल में बुलाया। 40-44 लोग था उसी टाइम पे हमारे मीटिंग में। उन लोग साहब एकत्र होकर के मुझे प्रधान बना दिया। तब से मैं किशोर महिला मंडल का प्रधान रह रही हूँ। बार बार हमारे इलेक्शन होता है, फिर भी उन लोग मुझे रखी जाती है। तब से हमने 2004 से 2006 में हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। हमने जागरूकता का बहुत सारे मीटिंग वेल्ड वेन के जरिए करवा दिया। उस टाइम हम लेडीज को या लड़कियों को, किसी लड़कों को भी बुलाने जाता तो उसके घर से हमें गाली मिल जाता था। लेकिन आज कॉलोनी इतने, अगर हम बुलाने जाओ तो बहुत तो खुशी से हमारे साथ में बच्चे को भेज देते, पूरे सपोर्ट करते हमारे को। उसके बाद इधर लाइट आ गई है, पानी की और सारी सुविधा हो गई। अभी मीठा पानी की भी सुविधा हो गई है। और हम अपने तरफ से, मंगला मंडल के तरफ से सिलाई चला रहे, और कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स है, और बच्चों को जो ट्यूशन है और जागरूकता का बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। समय समय पर हम खेल करवाते हैं, और MCD स्कूल में भी हम पूरे भागीदारी देते हैं। MCD स्कूल में, SMC में भी मैं मेंबर हूँ। उन्होंने मुझे बुला करके इलेक्शन में खड़ी करवा दिए थे, ऐसे मैं उसी में भी मेंबर हूँ। पूरे स्कूल का भार हम करते रहते। कभी कभी समय समय पर हमें कुछ प्रोग्राम करने पर हम सब संस्थाएँ इकट्ठा करके एक मीटिंग वगैरह करवाते, और हम